चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और इस बार हम कक्षा दसवीं के लिए पाठ्यपुस्तक स्पर्श से सुमित्रानंदन पंत जी की कविता पर्वत प्रदेश में पावस को ले रहे हैं और हम उसके शब्दार्थ संदर्भ प्रसंग व्याख्या काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सुमित्रानंदन पंत जी की कविता पर्वत प्रदेश में पावस। सबसे पहले कविता का पहला पद लेते हैं, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृत वेश। मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अब लोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पला ताल दर्पण सा फैला है विशाल। ये इसका पहला पद है। अब इसमें जो कठिन शब्द आए हुए हैं उनके मायनों को उनके अर्थ को हम जान लेते हैं। इसमें पावस ऋतु शब्द आया है, वर्षा ऋतु को ही पावस ऋतु भी कहते हैं। इसी तरह प्रकृति वेश का मतलब है प्रकृति का रूप। मेखलाकार शब्द आया है, मेखलाकार स्त्रियां कमर पर चांदी की सोने की करधनी पहनती हैं। उस करधनी का आकार जो है वह एक पहाड़ों के आकार जैसा होता है ना, उतार चढ़ाव वाला, ढाल और चढ़ाव वाला। तो यहाँ पर कवि ने जो पहाड़ों की तुलना की है वो उनके आकार को करधनी के आकार वाला बताया है। और सहस्र का अर्थ होता है हजार। दृग सुमन, दृग यानी आंखें, सुमन यानी पुष्प, दृग को आंखों को सुमन कहा है कवि ने। और अवलोकना यानी देखना, महाकार यानी विशाल आकार, पहाड़ों का आकार बहुत विशाल होता है। दर्पण अर्थात आईना। तो ये उसके शब्दार्थ थे। अब हम जानते हैं संदर्भ। संदर्भ में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई हैं। कविता का शीर्षक है पर्वत प्रदेश में पावस और इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। और अब हम करेंगे प्रसंग। कवि ने वर्षा काल में पहाड़ी क्षेत्र में होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों को कविता के स्वरूप में प्रस्तुत किया है। और अब शुरू करते हैं इसका भावार्थ। तो देखिए, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु का मौसम था और पहाड़ का इलाका था, जंगलों का, पहाड़ों का क्षेत्र था। और वहां पर हर क्षण प्रकृति के रूप में बदलाव होता जाता है। अभी कुछ स्वरूप है, कुछ समय के बाद कोई दूसरा स्वरूप है। अब वो स्वरूप कैसे बदलता है उसको कवि ने अपनी कविता के अलग अलग पदों में हमें दिखाया है। पहला स्वरूप देखिए क्या है, मेखलाकार पर्वत अपार। हम जंगलों में खड़े हैं, हम पहाड़ों को देख रहे हैं और पहाड़ों का दूर से जो आकार दिखता है वो करधनी के आकार जैसा प्रतीत होता है, उतार चढ़ावों से युक्त। और उस पहाड़ पर बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं, उन पेड़ पौधों में फूल खिले हैं। और कवि कहता है कि ये फूल नहीं है, ये पेड़ों की आंखें हैं, पहाड़ की आंखें हैं। और इन आंखों से, हजारों हजारों आंखों से, उसकी एक या दो आंखें नहीं है, हमारे पास तो केवल दो आंखें हैं पर पहाड़ के पास हजारों आंखें हैं। वह अपनी इन हजारों आंखों से अपने विशाल आकार को, पहाड़ तो बहुत ऊंचे होते हैं, विराट होते हैं, तो वो अपने विशाल आकार को नीचे, पहाड़ के नीचे चरणों में, जहां पर
समतल जगह है वहां जल भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, तो उसमें छाया बन रही है और पहाड़ की छाया उस पानी में दिखाई दे रही है। कवि कल्पना करता है कि पहाड़ अपने ही आकार को अपनी हजारों आंखों से नीचे के पानी में, जो कि आईने की तरह लग रहा है, अपने आकार को देख रहा है। जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल, और उसके पैरों के पास, पहाड़ के पैरों के पास एक तालाब है, पानी भरा हुआ है, झील बन गई है, और ऐसा लगता है कि वह तालाब नहीं है, एक बहुत बड़ा आईना वहां पर रखा हुआ है। तो ये पहला पद था, और अब हम इसके काव्य सौंदर्य को देखेंगे। तो इसमें पहला ये है कि इसमें अनेक स्थलों पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसे पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, पावर्ण बार बार आया है, अवलोक रहा है बार बार, यहां भी अनुप्रास भी है, पुनरुक्ति प्रकाश भी है, क्योंकि बार बार एक ही शब्द दो बार आया और बावर्ण भी दो बार आया। फिर अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़, यहां रूपक अलंकार है, क्योंकि कवि ने दृग को सुमन आंखों को फूल बना दिया है, फूलों को आंखें बना दिया है। फिर दर्पण सा फैला है विशाल, दर्पण सा के समान, के जैसा, तो यहां पर उपमा अलंकार है, क्योंकि उसकी तुलना दर्पण से की जा रही है, तालाब की तुलना दर्पण से हो रही है। और अब भाव सौंदर्य पर आते हैं। कवि ने प्रकृति के बदलते हुए स्वरूप का चित्रण किया है। अब दूसरा पद लेते हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के ओर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है, झांक रहे नीरव लभ पर, अनिमेश अटल कुछ चिंता पर। ये दूसरा पद है, दृश्य बदल गया है, लेकिन पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। तो मद से तात्पर्य है मस्ती, नशा, और झाग कहते हैं फेन को, तथा इसमें जो दूसरा शब्द आया और यानी हृदय, इसके अलावा उच्चाकांक्षाएं, ऊंची ऊंची आकांक्षाएं, तरुवर यानी पेड़, और नीरव नभ, रव यानी होता है आवाज, नीरव यानी जहां आवाज ना हो, तो नीरव नभ शांत आसमान, अनिमेश, अनिमेश यानी अपलक, पलक न झपकाना, अनिमेश या निर्निमेश शब्द से अभिव्यक्त होता है, और चिंता पर यानी चिंता में डूबा हुआ। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेगा, तो हम सीधे इसके भावार्थ पर आते हैं, व्याख्या पर आते हैं, और कवि ने क्या कहा है उसको देखते हैं। गिरी का गौरव गाकर झरझर, अब इन पहाड़ों पर, गिरी यानी पहाड़, पहाड़ों से बहुत सारे झरने, नदी जल की धाराएं बह रही हैं और नीचे गिर रही हैं, तो उनमें से आवाज आ रही है, झर 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 की आवाज आ रही है, इसी आवाज से उनका नाम है झरना। तो कवि कहता है कि ये जो झरझर की आवाज है, ये असल में झरने पहाड़ों के सम्मान में गीत गा रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर, और गीत गाने का नशा उन पर ऐसा छाया है कि उनकी एक एक नस, एक एक शिरा उत्तेजित हो रही है, फड़क रही है, क्योंकि जो धाराएं गिरती हैं वो बहुत सारी छोटी छोटी धाराओं और बूंदों में बिछलती हैं, फैलती हैं, भटकती हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर, फिर कवि उनकी तारीफ में कहता है कि ये झरने ऐसे लगते हैं कि ये मोती की मालाएं हैं। झरते हैं झाग भरे निर्झर,
ऐसे झरने जिनमें झाग भरा हुआ है, फेन भरा हुआ है, वो पहाड़ों से नीचे उतर रहे हैं, गिर रहे हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर, अब ये जो गिरिवर, गिरिवर वर शब्द लगाया गया है सम्मान में, मान्यवर कहते हैं ना, प्रियवर, उसी तरह गिरिवर पहाड़ महोदय के हृदय से ऊंचे ऊंचे पहाड़ उठकर खड़े हुए। कवि कहता है कि ये ऐसा लगता है जैसे पहाड़ की बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, तमन्नाएं हैं, कामनाएं हैं। है झांक रहे नीरव नभ पर, और ये पेड़ खूब ऊंचे हैं, पहाड़ पर है, पहाड़ तो वैसे ही ऊंचा है, उसके ऊपर ऊंचे ऊंचे पेड़ लगे हैं, और ऐसा लगता है ये पेड़ शांत आसमान की ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। इनके मन में कुछ चिंता भी है। चिंता क्या है? चिंता है कि कहीं आंधी तूफान न शुरू हो जाए और उससे पेड़ों के ऊपर कोई संकट ना आ जाए। ये आशंका पेड़ों के मन में कवि ने देखी है। तो ये व्याख्या हुई और अब हम इसका काव्य सौंदर्य करते हैं। पहला है गिरी का गौरव गाकर झरझर, इसमें अनुप्रास अलंकार है और ध्वन्यात्मक सौंदर्य भी है। ध्वन्यात्मक सौंदर्य कहलाता है जब कोई कवि अपनी रचना में जैसी ध्वनि उत्पन्न होती हो उसे ही शब्दों में अभिव्यक्त करे, तो वहां पर ध्वन्यात्मक सौंदर्य होता है। मान लीजिए कोई कवि लिखता है कौआ करता काव काव, ये काव काव ध्वन्यात्मक सौंदर्य है। चिड़िया करती चींची, ये चींची ध्वन्यात्मक सौंदर्य है। यहां पर झरनों के लिए जो झरझर शब्द आया है, ये झरनों की ध्वनि है, इसलिए ध्वन्यात्मक सौंदर्य कवि ने यहां पर प्रस्तुत किया है। दूसरा है झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, तो ये जो नस नस शब्द है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और अनुप्रास तो है ही। और फिर मोती की लड़ियों से सुंदर, यह तुलना की गई है मोती की मालाओं से, इसलिए उपमा अलंकार है। इसके अलावा गिरिवर के उर से उठ उठ कर, यहां पर अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दोनों है, क्योंकि उठ उठ शब्द दो बार आया और ऊ वर्ण कई बार आया, तो इसलिए अनुप्रास भी है पुनरुक्ति प्रकाश भी है। और उच्चाकांक्षाओं से तरुवर, फिर तुलना की गई पेड़ों की तुलना आकांक्षा से, ऊंची आकांक्षाओं से, तो उपमा अलंकार। तो इस तरह ये दूसरा पद यहां पूरा हुआ। और अब शुरू करते हैं तीसरा पद। तीसरा पद क्या है? जो आशंका दूसरे पद में व्यक्त की गई थी वो घटित हो गई है तीसरे पद में। कैसे? पहले हम कविता को पढ़ के देखते हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार वारिद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में समय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो ये पद है, इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, उनके पहले हम अर्थ जान लें। यहाँ पे भूधर यानी पृथ्वी पर जो रखा हुआ है अर्थात पहाड़, फिर फड़का अपार पारद के पद पर, पारद यानी जो है बादलों को कहते हैं, और रवशेष, रव यानी आवाज, शेष यानी बाकी, रवशेष रह गए हैं निर्झर, अब झरनों की आवाज जो मधुर थी उस वो सुनाई नहीं दे रही है। फिर इसके बाद फिर आया है कि धस गए धरा में समय साल,
समय न जाने कितने समय से शाल के ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे वो जमीन में धस गए। और ताल से तात्पर्य है तालाब, जलद यान बादलों का वायुयान हवाई जहाज, और इंद्रजाल याने माया मायावी खेल जादू के खेल इंद्र जो है वो दिखा रहा है। ये अर्थ है। संदर्भ और प्रसंग पहले की तरह ही रहेगा पर व्याख्या बदल जाएगी। तो क्या कह रहे हैं कवि, उड़ गया अचानक लो भूधर, जो जमीन पर पहाड़ रखे थे, धूल रखी थी, कंकड़ थे, पेड़ थे, शाखाएं थी, पत्ते थे, अब आंधी तूफान चलने लगा, उसके कारण ये सब उड़ने लगे। फड़का अपार पारद के पर, और जो सफेद रंग के काले रंग के बादल आसमान में उड़ रहे हैं, कवि कहता है ऐसा लगता है कि जैसे वो बादलों के पंख फड़क रहे हो। रवशेष रह गए हैं निर्झर, झरनों की जो मधुर आवाज अब तक झरझर आ रही थी, अब आंधी और तूफान की जो ज्यादा तेज आवाज है उसके कारण वो दब कर रह गए हैं। है टूट पड़ा भू पर अंबर, ऐसा लगता है कि जमीन पर आसमान टूट पड़ा है। धस गए धरा में समय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, और जो शाल के वृक्ष अब तक न जाने कितने वर्षों से जमीन पर लगे हुए थे, खड़े हुए थे, वो सब आंधी आने से टूट कर गिर गए। और जब भारी बारिश होती है और तालाब के जल पे गिरती है तो बूंदों के पानी पर गिरने से वहां धुआं जैसा उठता है, इसलिए कवि कहता है उठ रहा धुआं जल गया ताल, मानो तालाब में आग लग गई हो और वहां से धुआं निकल रहा हो। यो जलद यान में विचर विचर, इस तरह वर्षा का देवता इंद्र बादलों के हवाई जहाज में घूमता हुआ जादू के खेल दिखा रहा है, पानी में आग लगा रहा है, जो पेड़ खड़े हुए हैं उन्हें गिरा रहा है, बादलों के पंख फड़का रहा है, इन सब चीजों को कवि कहता है ये जादुई खेल है। पानी में आग लगती नहीं लेकिन यहां तो लग गई, धुआं उठ रहा है। तो ये कल्पनाएं जो है वो कवि ने की है और कहा ये इंद्र के जादुई खेल है। तो अब चलिए इसके करते हैं हम काव्य सौंदर्य देखते हैं। इसमें है फड़का अपार पारद के पर, इसमें रूपक अलंकार है क्योंकि यहां पर पारद के पंख बना दिए गए हैं, बादलों के पंख बना दिए गए हैं। है टूट पड़ा भू पर अंबर, यहां पर एक मुहावरे का प्रयोग हुआ है, आसमान टूट पड़ना ये मुहावरा है, उसको कवि ने कविता में प्रयोग किया है। तीसरा है उठ रहा धुआं जल गया ताल, यहां पर विरोधाभास अलंकार है क्योंकि तालाब में पानी में आग लगते हुए कवि ने इसे दिखाया है। और चौथा है यो जलद यान में विचर विचर, तो जलद यान बादलों को हवाई जहाज कहा गया रूपक अलंकार, और विचर विचर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार तथा अनुप्रास अलंकार भी। भाव सौंदर्य, कवि ने प्रकृति के विभिन्न रूपों को परिवर्तित होते हुए दिखाया है और उनका मनोहारी चित्रण किया है। तो यह था सुमित्रानंदन पंत जी की कविता पर्वत प्रदेश में पावस के विभिन्न पदों के शब्दार्थ, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ, काव्य सौंदर्य और भाव सौंदर्य। अगली बार हम इसी कविता के प्रश्नोत्तर करेंगे। कृपया इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे, देते हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी करते हैं।